राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब विधानसभा उपचुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इनमें एक सीट कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सचिन पायलट का गढ़टोक है। जदेवली उनियारा से विधायक हरिश्चंद मीना के सांसद बनने के बाद विधायक का पद खाली हो गया है। एक और जहां कांग्रेस इस सीट को एक बार फिर से जीत हासिल कर अपना कब्जा जमाने में लगी है, तो वहीं भाजपा भी इस सीट को हर हाल में जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि अभी तक विधानसभा उपचुनाव को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेता इस सीट पर किस्मत आजमाने के लिए जयपुर से दिल्ली की दौड़ में लग गए हैं। कांग्रेस की बात करें तो इस सीट पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि नव निर्वाचित सांसद हरिश्चंद मीना अपने किसी परिवारजन को इस सीट से टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन इन अफवाहों में ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हरिश्चंद मीना खुद चाहते हैं कि इस सीट पर पार्टी किसी स्थानीय नेता को टिकट दे ताकि वो विधानसभा में स्थानीय मुद्दे को प्रमुखता से उठा सके। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी लोकसभा चुनाव में राजस्थान से लेकर सभी राज्यों में मिली जीत से अति उत्साहित है और वो खुद भी चाहते हैं कि किसी युवा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाए। कांग्रेस खेमे में सबसे पहला नाम मुरली राम गुर्जर का माना जा रहा है, जो सवाई माधोपुर के निवासी हैं और वो विधानसभा उपचुनाव से पहले ही देवली उनियारा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में मुरली राम गुर्जर को टिकट नहीं मिला और हरिश्चंद मीना को प्रत्याशी बनाया, तब भी उन्होंने सक्रिय रूप से चुनावी प्रचार किया और जीत में भूमिका निभाई। और लोकसभा चुनावों के दौरान भी मुरली राम खासे सक्रिय नजर आए और गंगापुर सिटी सहित सवाईमाधोपुर इलाके में गांव-गांव जाकर हरिश्चंद मीना के समर्थन में वोट मांगे। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य हंसराज गुंजल भी इन दिनों टिकट के लिए जयपुर से दिल्ली दौड़ रहे हैं। ये वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीना की भी निगाहें इस सीट पर दोबारा टिक गई है। रामनारायण मीना देवली उनियारा सीट से विधायक रह चुके हैं। उधर भाजपा के खेमे की बात करें तो गुर्जर नेता और विधानसभा चुनाव हारे विजय सिंह बैंसला उपचुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयारी में हैं। चर्चा है कि बैंसला इस बार फिर से टिकट लाकर अपनी हार का जख्म भरना चाहते हैं। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर की इस सीट पर चुनाव लड़ने की खासी चर्चा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार भाजपा देवली उनियारा में महिला उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।